नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है लो फ्यूल, तो अभी टाइम हो चुका है फ्यूल भरने के लिए। और साथ में ही बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर माइलेज से रिगार्डिंग वीडियो बनाओ जिसमें आप माइलेज टेस्ट करने वाले हो। तो इस वीडियो में हम लोग फ़िलहाल चेक करेंगे डोमिनार का माइलेज, जो कि अपने हिसाब से लिख के भी होगा और साथ में ही जो है वो हम इसके मेजरमेंट को भी चेक करेंगे कि क्या वो सही है कि नहीं, जो बजाज का डिस्प्ले ECU खुद बताता है कि 26-27 kmpr। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा माइलेज टेस्ट करने से पहले कि हर एक बाइक का जो माइलेज होता है वो डिपेंड करता है वो हर एक राइडर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपना बाइक चलाता है। FI वेरिएंट बाइक में आप डायरेक्टली एकदम से पेट्रोल निकाल के फिर उसके बाद जो है वो आप अपना माइलेज टेस्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न है FI सिस्टम जो है वो ख़राब हो सकता है। तो वैसा नहीं करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले जो है वो फ्यूल ऐड करेंगे इसके टैंक लेवल तक, और उसके बाद कुछ 100 किलोमीटर के आसपास चलाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इसके अंदर फिर से 100 जितना भी हम लोग ने चलाया है उसके रिगार्डिंग उसमें फ्यूल ऐड करेंगे। तो ये फ्यूल ऐड होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कितना लीटर फ्यूल हमने यूज़ किया था 100 किलोमीटर राइड के दरमियान। और यहाँ से मैं ट्रिप मीटर जो है उसको भी रीसेट कर लूँगा। मैं अपने बाइक में पावर का पेट्रोल डालता हूँ, उसका रीज़न जो है वो ये है कि इसके मैनुअल में भी लिखा है कि प्रीमियम पेट्रोल लगेगा, और प्रीमियम पेट्रोल लेने से ऐसा नहीं है कि आपका माइलेज ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रीमियम पेट्रोल जो है उसमें थोड़े से ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं जो कि आपके इंजन के लिए सही होते हैं। थोड़ा सा लाइन है आज। पावर का पावर किधर तक डालो? बस नहीं नहीं इतने छोड़ दो। हाँ बस कार्ड है। तो यहाँ पे अभी बाइक साइड में लेते हैं और एक पेपर पर ये लिख लेते हैं सारे डिटेल्स, लाइक क्या क्या हुआ है, कितना हुआ है, सब चीज़ें। बेटर रहेगा माइलेज चेक करने में। तो लाइक पेट्रोल यहाँ पे ऐड किया गया 691 का, और यहाँ पे आया है 8.49 लीटर्स। अभी हो रहे हैं टोटल 18 किलोमीटर्स। यहाँ पे ट्रिप वन 200 एंड उसके हिसाब से 26 किलोमीटर बता रहा है। यहाँ पे इसको कर दिया रिसेट, डन। अब यहाँ पे 0 kmpl बता रहा है, इसको भी कर देते रिसेट। और यहाँ पे अपना सुबह 7:54 हो रहे हैं, डिटेल्स यहाँ पे लिख लिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों,
अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 1889 किलोमीटर हो चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था 1818 किलोमीटर पे और अब मेरे बाइक में जो है वो दो टोटल एट काउंट्स आते हैं, एट लाइन्स आती है। अब यहाँ पे दो कम हो चुकी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने कल भी अपने बाइक को पुश नहीं किया था, आज भी अपने बाइक को पुश नहीं कर रहा हूँ। जो इसका बेस्ट रेंज है वहाँ पे जितना ज़्यादा माइलेज मिले उस हिसाब से मैं बाइक चला रहा हूँ। तो ये एकदम ही ऑनेस्ट रिव्यू होगा कि अगर आप इसको सही राइट स्पीड में चलाया तो आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा। अभी पेट्रोल पम्प यहीं नज़दीक आने वाला है बस, और आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि मैंने इसके अंदर कोई भी ऑक्टेन बूस्टर नहीं डाला है, एंड साथ में ही मेरा इंजन ऑयल जो है वो भी सेम ही है जो कंपनी से मैंने ऐड करवाया था लास्ट सर्विसिंग के टाइम पे। बस सिग्नल का वेट है, इसके बाद सामने वो रहा पेट्रोल पंप। पावर इसमें यहाँ तक फिल करो। बस बस ओके, तो 2.86 पेट्रोल ऐड किया था यहाँ पे लास्ट टाइम का पेपर। तो यहाँ पे 1818 माइनस 1909, तो यहाँ पे करके देखते हैं 1909 माइनस 1818 में से अड़ गया, तो एक यहाँ से ज़ीरो एट 100 में से 9। ओके, तो टोटल हुए है 91 किलोमीटर्स। 91 किलोमीटर्स। ओके, कहाँ गया मेरा फ़ोन? फ़ोन पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है। 1909 माइनस 1818 91 किलोमीटर्स एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2.86 तो 31.81। ओके, तो कुछ 32 kmpl के आसपास का माइलेज मिला है मुझे। और यहाँ पे डोमिनार के ट्रिप के अंदर भी चेक कर लेते हैं इंजन, तो ये भी 31 kmpl बता रहा है। तो एग्जैक्ट जो माइलेज मिला है वो है 31.8, यहाँ पे मुझे ये बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे किलोमीटर्स 90.6 हुए हैं, मेरे 91 हुए हैं, तो मतलब एग्जैक्टली ये सिमिलर है और एवरेज फ्यूल कंजप्शन मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दिवाली था, जिसके वजह से दिवाली का हैंगओवर होने की वजह से लोग अभी तक यहाँ पे ऑफिस में नहीं आए थे, जिसके वजह से रोड काफ़ी मुझे खाली मिला और बाइक काफ़ी अच्छे स्पीड पर था। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ जो मैं वीडियो के एंड में ऐड करूँगा, कि माइलेज ऑलवेज डिपेंड करता है आप किस तरीके से बाइक राइड करते हो। अगर आप बाइक को अल्टीमेट पुश करते हो तभी माइलेज कम होता है, बाइक का इंजन अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तभी भी माइलेज कम होता है, अगर आप ट्रैफिक में बहुत स्लो स्पीड में बाइक चला रहे हो तभी भी आपका माइलेज कम हो सकता है। और ये एक और भी रीज़न होता है कि कभी कभी जो है वो कुछ पेट्रोल पम्प्स डाइल्यूटेड पेट्रोल यूज़ करते हैं, जिसके वजह से भी
आपका माइलेज कम हो सकता है। तो अगर आप कहीं से पेट्रोल भर के बाइक चला रहे हो नॉर्मली, तो आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि वो पेट्रोल पंप सही है कि नहीं। तो उसको बस सिर्फ सिंपल इतना करो कि किसी और पेट्रोल पंप से एक दो बार पेट्रोल डाल के देख लो आपका माइलेज क्या मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। प्लस हर एक बाइक का एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे डोमिनार का जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल पेट्रोल पंप नहीं, नॉर्मल पेट्रोल जो है वो नहीं होता है डोमिनार के लिए, पावर या फिर प्रीमियम पेट्रोल्स लगते हैं। तो मैं इसमें मोस्टली, हर बार आपने मुझे देखा रहेगा, मैं एक ही पेट्रोल पंप पे जाता हूँ और वहीं से पेट्रोल ऐड करता हूँ। उसका रीज़न है कि वो मेरा ट्रस्टेड पेट्रोल पंप है। मैं एक दो जगह ट्राई किया है, मेरे यहाँ से मोस्टली थाने में ऐसे कुछ पेट्रोल पंप्स है जो कि पेट्रोल में एजेंट डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। नॉर्मल बहुत सारे लोग जल्दी पता नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा और चीज़ कि कभी कभी कुछ लोग जो है वो रियर ब्रेक को भी प्रेस करके रखते हैं, जिसके वजह से उनका इंजन भी गर्म होता है और उनका माइलेज भी कम होता है। वैसे एवरीडे मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ घर से ऑफिस जाने के लिए, आज मैं थोड़ा जल्दी निकल गया, यहाँ पे 7 बज रहे हैं। थैंक्स टू माय मामा टू, मैंने मामा को बोला था मुझे वीडियो बनाना है तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके पेट्रोल डाल के फिर आप लोगों से बात भी करना था एग्जैक्ट माइलेज कितना मिला उस रिगार्डिंग। तो मेरी मामा थोड़ी जल्दी उठ के उसने मेरे लिए लंच बॉक्स बनाया। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक इट, अगर नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और मैं मोतुल 300V का V2 करके नया इंजन ऑयल आया है, वो भी अपने डोमिनार के अंदर ऐड करने वाला हूँ। तो अगर आप उसके लिए भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए राइड सेफ, बी सेफ एंड बाय बाय।